ऊपर जाके सोमरस पीना समझा? एक तेरी तो जब तक फैक्ट्री में आग लग गई है। हर तरफ अफरा तफरी मची है और गौर करने की बात यह है कि मुख्यमंत्री साहब अभी तक नहीं पहुंचे हैं। पुलिस, पुल के उस पार किसी को नहीं जाने देना। बच्चों, स्टेज के नजदीक आकर बैठ जाइए। आप शांत रहिए, शांत। ही जा रही है, पर देखने की बात यह है कि जो टंकियां पौधों को पानी देने के लिए लगाई गई थीं, वही पानी आज इन पौधों को जलने से बचा पाता है या नहीं। ये आग आश्रम में लगे लाखों पौधों को जलाकर मिटाने के लिए लगाई गई है, ताकि जब सीएम यहां पर आए तो पौधों का नामो निशान तक ना रहे, क्योंकि सीएम साहब पौधों के आधार पर ही आश्रम की लीज बढ़ाने का फैसला करने वाले हैं। खबर यह है कि आग बुझ चुकी है और अभी अभी मुख्यमंत्री भी यहां पहुंच चुके हैं। कहीं साहब के पीछे तुम्हारा हाथ तो नहीं है? आपको हर आग के पीछे मेरा ही हाथ दिखाई देता है?
ये पूरी घटना जस्टिस जावेद अहमदी के सामने घटी है। इस मामले का मुख्य गवाह बचा लिया गया है और उसने अपना बयान भी दे दिया है। अभी उसे जयदेव वर्धन मंच की ओर ले जा रहे हैं। सर, जो भी कुछ हुआ आपने खुद देखा है। इन लोगों ने पूरे आश्रम के साथ साथ 5 लाख पौधों को जलाने की कोशिश की सर, और इस आदमी को जलती आग के अंदर फेंक दिया। मैं आपसे सिर्फ एक ही बात कहता हूं सर, प्लीज कुछ कीजिए सर। आप सभी लोग सुन लीजिए जो यहां मौजूद हैं। मैं जस्टिस जावेद अहमदी इस गंभीर आपराधिक घटना का खुद गवाह हूं, और इस मामले की गंभीरता को समझते हुए मैं इस बात का आदेश देता हूं कि इस घटना को अंजाम देने वाले मिनिस्टर अमृत पाटिल और बिल्डर गौरव गुप्ता को और उनका साथ देने वाले लोगों को, जिन्हें घटनास्थल पर पकड़ा गया है, तुरंत गिरफ्तार किया जाए और मुकदमा चलने तक उन्हें पुलिस हिरासत में रखा जाए। मैं पुलिस को तत्काल कार्रवाई करने का आदेश देता हूं। जिंदगी में पहली बार देख रहा हूं कि एक जस्टिस ने मौके पर इस प्रकार का आदेश दिया है। सीएम, सब कुछ कीजिए। हमारे तुम्हारे बीच तय हुआ था 2 साल तक तुम्हारी कोई मांग नहीं होगी, लेकिन आप मुझे बचा सकते हैं। कैसे? कैसे मतलब? जस्ट साहब के आदेश के खिलाफ जाकर मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। वैसे भी तुम हमेशा सिर्फ सरकार गिराने की बात करते हो, अब गिराओ। सीएम साहब, मैं इसी मुद्दे पर इलेक्शन अनाउंस करता हूँ। मैंने कहा था जितना बचा सकते हो उतना ही खाओ। देखिए सीएम साहब, अब जाओ। मैंने कहा था ना, पॉलिटिक्स में कोई किसी का नहीं होता। मेरी ऑफर मानो और इस डील को सेटल कर दो। इस पेपर पर साइन करो, कल तक तुम्हारे अकाउंट में 50 करोड़ का डिमांड ड्राफ्ट जमा हो जाएगा। इस जमीन को हमें बेच दो, शायद कल जीजी सिटी खड़ा हो जाए, वरना सब कुछ हार जाऊंगा, सब कुछ। इतने साल मैंने तुम पर भरोसा किया, इसीलिए तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्ट किया। एक बार तो मुझ पर भरोसा करो, शायद तुम इस केस से भी छूट जाओगे। षड्यंत्र था ये, षड्यंत्र जिसमें आश्रम के ही एक कर्मचारी को मदिरा पिला करके उसे इस अग्निकांड के लिए दोषी ठहराने का प्रयत्न किया गया, किंतु वह सकुशल है। हम भी लड़े और अब अकॉर्डिंग टू लॉ इस जघन्य कांड के समस्त अपराधी 6 महीने के लिए नॉन बेलेबल वारंट के साथ, गैर जमानती वारंट के साथ अंदर रहेंगे। आवश्यकता पड़ी तो हम स्वयं लड़ेंगे ये केस, भजन लाल MALLB। हाँ, वैसे ये जानना नहीं चाहोगे कि इसके पीछे कौन है? प्रेम जी, जी जी हमेशा ब्लाइंड खेला है, मुझे पता है। क्या दाव खेला है कुतुब मीनार? तुम्हीं से सीखा है, पिज्जा के चुके मीनार। ये दाव तुम जीते हो, 50 करोड़ भी अपने खाते में रखना अगले दाव तक। मैंने दाव खेलना छोड़ दिया जी, शायद तुम नहीं समझोगे, लेकिन हार कर भी तुम ही ये दाव जीते हो, क्योंकि अभी जमीन उन्हीं को मिलेगी जिनका इस पर पूरा हक है। आज तुम्हें सब कुछ बोलने का भी हक है, लेकिन फिर भी बोलता हूं। ना तुम्हें पिटवाना मेरा मकसद था, और ना यह आग मेरे कहने से लगाई गई है। तुमने दोस्ती सिर्फ फायदे के लिए की थी जीजी, और फायदे के लिए की गई दोस्ती सिर्फ घाटा देती है। अगर सिर्फ दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाओगे तो यह हाथ हमेशा आगे रहेगा। बढ़ाता हूं, लेकिन सिर्फ अगले दाव तक। थैंक यू प्रेम जी। ओके, आइए।
अब यहाँ के लोग इंतजार कर रहे हैं मुख्यमंत्री के फैसले का, क्योंकि आश्रम के हजारों बच्चों का भविष्य अब उन्हीं के हाथों में है। आश्रम की सारी घटनाओं के लिए मुझे बहुत दुख है और इसके लिए मैं सरकार को जिम्मेदार मानता हूँ और आप लोगों से माफी चाहता हूँ। जो काम सरकार को करना चाहिए था वो जिम्मेवारी गुरुजी ने बखूबी निभाई है। हमें गर्व है कि ऐसा इंसान, ऐसा आश्रम हमारे राज्य में है। इसलिए मैं इस आश्रम की लीज 50 नहीं बल्कि 99 साल तक बढ़ा रहा हूं। अरे मैंने क्या किया, पकड़ना तो उन्हें पकड़ो ना, मैंने क्या किया? गुरुजी गुरुजी, बेटा आज मैंने देखा है कि तुम सब कुछ समझ गए हो। अब मैं जान गया हूं कि तुम सब कुछ संभाल सकते हो। बाबा हमें पेपर्स मिल गए जमीन के। बाबा आपका सपना मैं पूरा करूंगा। बाबा बेटा हर किसी का एक सपना होता है, पर जो अपने सपने दूसरों के आंसुओं से पूरे करते हैं उनके सपने भी आंसू बन जाते हैं। सपने उन्हीं के सच होते हैं जो अपनी भलाई के साथ दूसरों का भी भला चाहें। माधवी